नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज और खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 14 फरवरी 2019 एक ऐसा दिन जिसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसमें हर भारतीय गुजर रहा था करुणा से, संवेदना से, जो थी हमारी भारतीय सेना के प्रति, जो जारी रहा 25 फरवरी तक। और 26 फरवरी की सुबह मंगलवार को एक ऐसा वाक्या घटित हुआ जिस पर पूरे देश को गर्व भी हुआ और कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि भारतीय सेना के 44 जवानों की शहादत का सही मायने में कहीं ना कहीं बदला लेने का एक शुरुआती तरीका जो है वो शुरू हो चुका है। तो इसी बारे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान जी, जो वर्तमान में जेजेपी जिला अध्यक्ष हैं उत्तर भारत के हरियाणा के करनाल शहर से। सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू, नमस्कार सर। आज जो तड़के वाक्या हुआ 3:30 पर 14 फरवरी को, ऐसा ही एक हमला भारत के वीर जवानों के ऊपर हुआ पाकिस्तान के आतंकवादियों की तरफ से, और आज भारतीय वायुसेना ने उसका जवाब देते हुए ठीक 3:30 पर ही एयर अटैक किया पाकिस्तान की सीमा में घुसकर, इसे किस नज़र से आप देखते हैं भारतीय होने के नाते? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा अपनी भारतीय सेना को जिन्होंने आज सुबह सर्जिकल स्ट्राइक किया और जो आतंकवादियों के पाकिस्तान में अड्डे थे उनको ध्वस्त करने का काम किया। इससे पहले जो 14 फरवरी को हमारे सैनिकों पर एक आत्मघाती हमला हुआ था, जो एक कायरतापूर्ण कार्रवाई थी, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। हमें सबसे पहले तो इस देश के उन शहीदों को सलाम करना चाहिए जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो दिन रात बॉर्डर पर इस देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। और जिस तरह से आज ये कार्रवाई भारतीय सैनिकों ने की है उसकी मैं भारतीय सेना को बधाई भी देना चाहूँगा, और मैं ये चाहूँगा कि सेना को इस तरह की कार्रवाई के लिए पूरी छूट मिलनी चाहिए, उनको पूरे अधिकार मिलने चाहिए। और भी जहाँ कहीं इस तरह की गतिविधियाँ हों जहाँ पर आतंकवादी अपने कैंप लगाए हुए हों, वहाँ भी इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक होने चाहिए ताकि हम अमन चैन से रह सकें। पूरी दुनिया में आतंकवाद के प्रति जो ये हमला हुआ था हमारे देश के सैनिकों पर, उसका पूरी दुनिया ने रोष व्यक्त किया, संवेदना व्यक्त की। इस तरह की हमले नहीं होने चाहिए। कायरतापूर्ण कार्रवाई थी आतंकवादियों की, और आगे से इस तरह के जब भी कोई कोशिश करता है हमले करने की या कोई हमारे सैनिकों पर, उनको आत्मघाती हमला कह लो या छुप कर वार करने की कोई कोशिश करता, उनको सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जैसा कि अभी हुआ भी है आज ही में भारतीय सेना के द्वारा। तो सांगवान साहब, आप क्या कहेंगे, जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान जारी होता है, पाकिस्तान हमेशा कहता है कि कश्मीर मुद्दे पर बैठकर हल निकालना चाहिए, बैठने की बात तो जब होती है वो सीधे तौर पर कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान को सौंप दीजिए, एक ही हल वो सुझाते हैं, लेकिन जब भी कहा जाता है कि आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान है तो हर पाकिस्तानी मीडिया कहिए या फिर राजनेता कहिए वो पल्ला झाड़ लेता है कि आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे पाकिस्तान से? देखिए, वहाँ पे अभी जिस तरह से आपने देखा आज ये जो कार्रवाई हुई, इससे पहले भी भारत कई बार सबूत दे चुका है जहाँ पे भी इस तरह के आतंकवादी गतिविधियाँ चलती है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद की बात हो, चाहे और दूसरे आतंकवादी संगठन हैं उनकी बात हो, कई बार भारत इस पूरी दुनिया को यह सबूत दे चुका है कि वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ चलती हैं। जिस तरह से यूएसए ने भी पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था जी, वो भी पाकिस्तान में ही छुपा हुआ था, और भी कई आतंकवादी वहाँ से मिलते रहे, नेता हैं जो आतंकवाद के सरगना हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं, उन सब को ख़त्म कर देना चाहिए, मैं तो मेरा ऐसा मानना है। तो यानी कहा जा सकता है कि एक मुखौटा पहनकर पाकिस्तान के राजनेता और वहाँ की मीडिया जो है वो दुनिया के सामने आती है और अपने बयान जारी करते हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो यही है कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश जो है वो भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान ही है। बिल्कुल,
दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी अड्डा है। मैं तो ये कहूँगा कि वो पाकिस्तान में ही है, और पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान सेना उनको शरण देने का काम करती है, उनको मदद करने का काम करती है। अगर वो उनको मदद ना करे तो आतंकवाद पनप ही नहीं सकता, आतंकवाद को बढ़ावा मिल ही नहीं सकता। सांगवान साहब, इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें, जो पुलवामा में अटैक हुआ 14 फरवरी को हमारे भारतीय जवानों पर, उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि स्थानीय लोगों की कुछ जिम्मेदारी बनती है? आखिर उन्हीं स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान वहाँ मौजूद रहते हैं, और उन लोगों से ही उन्हें महसूस होता है कि पत्थरबाजी जैसी हरकतें वहाँ पर होती हैं, धारा 370 का भी जिक्र होता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी कड़ियाँ जुड़कर स्थानीय निवासियों की जिम्मेदारी को भुलाने का काम करती हैं कि वहाँ कश्मीर के निवासियों की भी कुछ जिम्मेदारी है भारतीय सेना के प्रति के नहीं? देखिए, जो स्थानीय निवासी वहाँ के हैं उनको भी उकसाने का काम किया जाता है, जो युवा पीढ़ी है, नौजवान हैं, उनको भी हमारे देश के प्रति बरगलाने का काम किया जाता है इन आतंकवादी सरगनाओं द्वारा, और उनको पैसे तक भी दिए जाते हैं, और उनको अपने कैंपों में ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है, उनको मतलब देश के प्रति भड़काने का काम इस तरह के लोग करते हैं, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि आज पूरा देश और पूरी दुनिया ये चाहती है कि इस पूरे विश्व में शांति रहे, आपस में भाईचारा कायम रहे, और अमन चैन से सभी धर्मों के लोग आपस में रह सके। जी सांगवान साहब, यहाँ पर एक बयान जारी किया था पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ साहब ने कि कश्मीर की जो जनता है वो जिहादियों का साथ चाहती है और उनका सहयोग चाहती है, लेकिन वहाँ पर यानी कि कश्मीर में जो भारतीय सीआरपीएफ जवान हैं वो अत्याचार करते हैं वहाँ की जनता पर, और जनता चाहती है कि वो पाकिस्तान के साथ जाकर के मिलें, और जो जिहादी जिन्हें भारत पाकिस्तान कहता है वो उनके साथ ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। ये बयान जारी किया है परवेज मुशर्रफ साहब ने, आप क्या कहेंगे इस बयान के बारे में? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया आपको, जो वहाँ के नागरिक हैं, जो वहाँ की जनता है, वहाँ के जो लोग हैं उनको उकसाने का काम इस तरह के लोग करते हैं, उनको बरगलाने का काम किया जाता है, उनके हाथों में कलम की जगह उनके हाथों में AK-47 इस तरह के हथियार थमाने का कार्य किया जाता है, और जब बॉर्डर के उस पार से इस तरह की कोशिशें जब तक नाकाम नहीं होती तब तक हमारा भाईचारा नहीं बन सकता, तब तक अमन शांति से कोई नहीं रह सकता। जी, तो शांति की बात यहाँ पर होती है, और हर शख्स चाहता है, हर भारतीय चाहता है, हर पाकिस्तानी भी चाहता है कि शांति अमन के साथ दोनों पड़ोसी मुल्क रहें, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं उन्हें किसी कौम से जोड़कर देखें या उन्हें किसी और मकसद से जोड़कर देखें जो शांति के खिलाफ हैं। इस मंच पर चर्चा जारी रहेगी, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए CNN न्यूज़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे जिन दर्शकों ने अभी अभी इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया, आपको बता दें आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व विधायक और वर्तमान में JJP जिला अध्यक्ष उत्तर भारत हरियाणा के करनाल शहर से श्रीमान नरेंद्र सांगवान जी, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं आज यानी कि 26 फरवरी को जो भारत ने एयर अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर। सांगवान साहब, 80 किलोमीटर अंदर जाना LOC के बाद और अपने 12 फाइटर जेट प्लेन्स को भेजना 1000 किलो बारूद के साथ, क्या कहेंगे आप इसे? एक सेना का गर्व है, एक कॉन्फिडेंस है, एक मुद्दा है कि अपने जो सैनिक शहीद हुए उनका बदला लेना ही है या फिर उन्हें सबक सिखाना है? देखिए, जब किसी के आत्म सम्मान पर कोई ठेस पहुंचती है, कोई इस तरह की कायरतापूर्ण हमला करने की बात करता है, जिस तरह से हमारे 40 से भी ज़्यादा जवान उस हमले में शहीद हुए, इस तरह का जब कोई हमला होता है तो इसके लिए पूरा देश दुखी था, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग थे, सभी इस हमले से दुखी थे, और सभी ने कड़े शब्दों में इस कायरतापूर्ण हमले की निंदा की है। इस तरह के जब हमले हमारे सैनिकों पर होंगे तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए उनको सबक सिखाने के लिए। जो ये 80 किलोमीटर अंदर जाके किया, मैं तो ये कहूँगा कि कहीं भी आतंकवाद के अड्डे कहीं भी हो, चाहे वो 100 किलोमीटर पे हो, चाहे वो 200 पे हो,
उनको भी हमें ध्वस्त कर देना चाहिए। ऐसे में सांगवान साहब, देश का माहौल जो 14 फरवरी के बाद रहा था, काफ़ी आक्रोशित रहे थे, सभी लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाले, कुछ बहुत ज़्यादा प्रदर्शन ऐसे भी रहे जिसमें कड़े शब्दों में कहा जा रहा था कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सब क्यों नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि आम जनता जो भारत के 135 करोड़ लोग हैं, ऐसी एक संवेदनशील स्थिति में उन्हें अपना व्यवहार सोशल मीडिया पर कहें या फिर कहीं और जहाँ वो जाहिर कर सकते हैं, कैसा रखना चाहिए? देखिए, इस तरह के पूरे देश में इसकी निंदा हो रही थी और लगातार हर देश का नागरिक यही कह रहा था इसका बदला लिया जाना चाहिए, लेकिन सेना के पास अधिकार नहीं थे, उनको खुली छूट नहीं थी। हमारी सरकारों को यह सोचना चाहिए कि जो सैनिक हमारे लिए दिन रात मरते हैं, शहीद होते हैं, उनको हमने पूरे अधिकार दे देने चाहिए और इस देश की हिफाजत के लिए, इस देश की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों को निछावर करते हैं हमारे सैनिक, उनको विशेष रूप से छूट होनी चाहिए, उनको विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए, पूरी तरह से उनको आज़ादी दी जानी चाहिए कि इस तरह का कोई भी अगर सर उठाने की कोशिश करे दुश्मन, उसको कुचल दिया जाना चाहिए। जी सांगवान साहब, इसके अलावा एक और जिक्र आता है कि जब भी आतंकवादी हमले होते हैं और वो संगठन जो आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उन्हें एक कौम से जोड़कर देखा जाता है और ज़्यादातर जब भी देखा जाता है तो इस्लाम से जोड़कर इसे सीधे तौर पर देखा जाता है और पाकिस्तान में जिनकी बहुतायत है, ऐसे में हमारे भारत में भी हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में सामाजिक रूप से कोई द्वेष पैदा ना हो, ऐसे में हमें कि इस जातिवाद से ऊपर के किस तरह के व्यवहार रखना चाहिए आपस में? देखिए, कोई भी आतंकवादी है या कोई गलत आदमी है, वो किसी भी जाति में हो सकता है, और मैं तो ये कहूँगा जो पाकिस्तान सरकार है, पाकिस्तान की सेना है, वो उनको पनाह देने का काम करती है, उनको पनपने देने का काम करती है। आज जिस तरह से पाकिस्तान में इस तरह के लश्कर तैयबा के, जैसे मोहम्मद के और भी कई आतंकवादी गुट हैं जिनके अड्डे वहाँ चल रहे हैं सरेआम, जो आज जिस तरह से हमारे सैनिकों ने वहाँ पर कार्रवाई की है, तो जो अगर पाकिस्तान सरकार उनको सह ना दे, उनको जो चीज़ें हैं ज़रूरियात की वो मुहैया ना कराए, उनको फंडिंग बंद कर दे, तो वो अपने आप ही इस तरह की गतिविधियाँ ख़त्म हो जाएगी, कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, तो मेरा ऐसा मानना है। सांगवान साहब, अगर आपके जीवन काल को देखें, एक अच्छा खासा पॉलिटिकल करियर आपका रहा है, कई उतार चढ़ाव आपने भी देखे हैं, ऐसे दौर पहले भी कई बार आपने देखे हैं, देश में आए हैं, तो एक राजनेता और एक नेता होने के नाते आप क्या कहेंगे कि पार्टी, नेता, राजनीति, इन सबसे बढ़कर आज के समय का जो माहौल है, किसी भी वक्ता को किसी भी मंच पर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा भी हम देख चुके हैं किसी चर्चा में कि पार्टी विशेष से जोड़कर इस मुद्दे को कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया गया था जिसकी कड़ी निंदा हर व्यक्ति ने की है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, नेताओं की क्या जिम्मेदारी बनती है इस मुद्दे पर जब भी चर्चा हो? देखिए, जब देश के मान सम्मान की कोई बात आती है तो उसमें राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। देश की रक्षा के लिए, देश के मान सम्मान के लिए हम सबको जो गलत है उसको गलती कहना चाहिए, जो सही है उसको सही कहना चाहिए, और जो ये हमारे जवान शहीद हुए हैं, और ये 40 ही नहीं, आए दिन उसके बाद भी कोई ये गतिविधियाँ रुकी नहीं, कोई ना कोई दूसरे तीसरे दिन हमारे इस देश का सैनिक शहीद होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह की आगे कोई कार्रवाई ना हो, इस तरह की कोई घटना ना घटे, ऐसा हमारी दोनों मुल्कों को ऐसा फैसला कोई लेना चाहिए, इस आतंकवाद को जड़ मूल से ही समाप्त कर देना चाहिए। जी बेहतर है सांगवान साहब, बेहतरीन आपके शब्द हैं, क्योंकि एक सीमा के दोनों ओर वही लोग रहते हैं जो कभी एक देश के निवासी हुआ करते हैं, लेकिन सियासत ने कहीं ना कहीं अलग किया है दोनों मुल्कों को, और सियासत के बाद जो शब्द आतंकवाद का यहाँ फैल रहा है उससे नुकसान भारत को भी हो रहा है और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं उससे आहत ही नज़र आता है हर बार। तो आज का मुद्दा में बहरहाल इतना ही। CNN न्यूज़ के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि आपको देश में घटित
ताज़ा तरीन घटनाओं के बारे में जानकारी हम साझा करते रहें। और आज हमारे साथ जुड़े पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान साहब, जो वर्तमान में JJP जिला अध्यक्ष हैं हरियाणा के करनाल शहर से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू। आप सभी देखते हैं CMN न्यूज़ और दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।